आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष। हिमाचल प्रदेश वन विभाग के सौजन्य से 20 जुलाई से चलाए गए पौधारोपण अभियान के तहत पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदेश भर में वृक्ष लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जुड़ते हुए वन परिक्षेत्र कुठाड़ के अंतर्गत आने वाले बटेहड़ी, कौंटा और बटेहरी के जंगलों में जामुन, आमला और कचनार के पौधे लगाए गए। 20 जुलाई से शुरू हुआ पौधारोपण अभियान 24 जुलाई को संपन्न हुआ। इस अभियान के समापन पर वन परिक्षेत्र कुठाड़ के अंतर्गत कौंटा जंगल में उप तहसील कृष्णगढ़ के नायब तहसीलदार व उनके विभाग के पटवारियों और कार्यालय कर्मचारियों ने जामुन और आंवले के पौधे लगाए। इस अवसर पर वन परिक्षेत्र अधिकारी कुठाड़ मनमोहन शर्मा ने बताया कि 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चले इस पौधारोपण अभियान में उनके परिक्षेत्र के बटेहड़ी में 11,000, बटेहरी में 5,500 और कौंटा के जंगल में 1,500 पौधे रोपे जा चुके हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पौधारोपण अभियान आपके विभाग की तरफ से चला है, इसमें कौन कौन सी साइट्स निर्धारित की गई हैं और अभी तक कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? हमारे 3 साइटें हैं। कौंटा, ये 5 हेक्टर है जिसमें दाल प्लांट लगे हैं, जिसमें हमारे जो है 1,500 पौधे लगेगा जो आज कंप्लीट हो रहा है। और दूसरा हमारा बटेहरी है, वो हमारा 5 हेक्टर है, उसमें हमारा 5,500 पौधा लगेगा जो कि 1,100 की नॉर्म से। और एक हमारा नीचे सुरज रूप है। तो ये जो कैंपेन है ये कब से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला? 20 तारीख से शुरू हुआ जी, आज इसका संपन्न है। आज इसका संपन्न, लास्ट आज 24 को लास्ट हो रहा है, आज हमारी कंप्लीट प्लांटेशन। जैसे ये आपकी साइट्स तो निर्धारित की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, अब जो आम जनता है जो पौधारोपण में नहीं आ पाते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ऐसे मैक्सिमम लोग, इसमें काफ़ी लोग आए, हमारे काफ़ी लोगों का सहयोग हुआ और लोगों द्वारा ही ये जो कैंपेन था, लोगों द्वारा ही पौधे लगवाए गए। हमने आज जो ये पौधारोपण उत्सव चलाया है, इसकी जो कैंपेन 20 जुलाई से 24 जुलाई तक चली हुई है, इस उत्सव पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आदेशानुसार पर्यावरण बचाओ पेड़ लगाओ के उत्सव पर मैंने आज अपने सभी सब तहसील किशनगढ़ की तरफ से, सभी कर्मचारियों की तरफ से, वन खंड कुठाड़, वन परिक्षेत्र कुठाड़, बीटगढ़ बांध के गांव जंगल कौंटा में अपनी तहसील के सभी कर्मचारियों की तरफ से लगभग 100-120 पौधारोपण करवाया है। मैं इसके साथ सभी अपने कर्मचारी भाइयों से उपस्थित, जिसमें हमारे यहाँ पर हमारे साथ आर ओ साहब भी उपस्थित है, बी ओ साहब भी है, बीट गार्ड भी उपस्थित है, मैं सभी से ये निवेदन करूँगा कि आप इस पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ तो अभियान को और आगे बढ़ाएं, अपने घरों तक अपने निजी भूमि में कम से कम हर परिवार का पर मेंबर एक पौधा जरूर लगाएं। हमारे नायब तहसीलदार के अगुवाई में उप तहसील किशनगढ़ के सभी कर्मचारी, फील्ड स्टाफ सभी ने, रेंजर साहब द्वारा जो यहाँ पे चलाया जा रहा है, यहाँ इन्होंने जो हमारे को प्रोत्साहन किया है इसके लिए, जो सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही है उसके अंतर्गत हमारी तहसील की ओर से आज जो पौधारोपण किया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा ही पौधारोपण हमारे हिमाचल में होता रहेगा तो हिमाचल का गौरव एक दिन पर्यावरण के मामले में सबसे ऊपर दुनिया में माना जाएगा, क्योंकि हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति भी पर्यावरण के मुताबिक बहुत अच्छी है। यदि हम इसमें अधिक से अधिक पौधारोपण करते हैं तो ये हिमाचल जो है अपना गौरव पूरे दुनिया में लग ही दिखाई देगा। उप तहसील कृष्णगढ़ के नायब तहसीलदार ने लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने की सलाह देते हुए कहा, यदि देश को भविष्य में होने वाले जल संकट से बचाना है तो सभी को इस संकल्प करना होगा कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं ताकि पर्यावरण में शुद्धता बनी रहे
और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों से भी बचा जा सके। कुठार जिला सोलन से आपका चैनल के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।